दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूँ दार्जिलिंग और आपको पूरी जर्नी के बारे में शॉर्ट्स में मैंने इन्फॉर्म तो किया ही था, बट हम अब पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग और मैं आपको एक पूरी हाईलाइट देना चाहता हूँ पूरी जर्नी की। यहाँ तक कि उज्जैन से हमने शुरू किया था 25th को, लगभग 35 आवर्स लगे हमको पहुँचने में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक। वहाँ पे हमने लगभग 30 मिनट्स वेट किया हमारी कैब का और फिर 3 घंटे हमको यहाँ पहुँचने में लगे, तो लगभग 38 या 39 आवर्स की जर्नी हमारी टोटल थी। इस जर्नी के बीच में ट्रेन के किसी एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊँ तो ट्रेन में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो हमने खाना हर तरह का खाया, ट्रेन का खाया, बाहर का खाया, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आपको अगर कुछ भी खाना है तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो, आपकी सीट तक डिलीवरी हो जाती है। स्विगी से ऑर्डर कर सकते हो या डोमिनोज से भी ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि ट्रेन का खाना बहुत ही वाहियात होता है। मैं पेंट्री में गया, वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी मैंने, रॉ मटेरियल्स देखा, टमाटर वगैरह जो भी देखा वो इतनी ख़राब कंडीशन में था कि मैं वहाँ खाना खाने का सोच नहीं सकता था। होटल्स में कैसा होता होगा वो मैंने वहाँ के किचन्स नहीं देखे, बट स्टिल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं बाहर से मंगवा के खाऊं और टेस्ट भी बाहर का ज़्यादा अच्छा था, हाइजीन वगैरह सब कुछ मुझे बाहर का अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग जब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन उतरे, वहाँ पे कैब्स के बहुत अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको शेयरिंग में आना है तो 350 रुपये से स्टार्ट होता है। आप सुबह सुबह आ रहे हो तो कैब का रेट कम मिलता है आपको, हो सकता है कि दिन में या शाम को जब गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं तब आपको ये 1000 रुपये पर पर्सन भी देना पड़े शेयरिंग में। उसके अलावा 2500 रुपये प्राइवेट टैक्सी का था जो कि स्विफ्ट डिज़ायर का, हम लोग प्राइवेट टैक्सी से आए, स्विफ्ट डिज़ायर से आए। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। एक बार मैं यहाँ की आपको सीनरी बताना चाहूँगा, एक बार आप नज़र डालिए, इस तरह का व्यू आपको कितनी ही जगह मिल जाएगा नहीं मिलेगा। हम बादलों से भी ऊपर हैं और बादलों का फॉर्मेशन नीचे से होके ऊपर जा रहा है और वो हम देख पा रहे हैं। यहाँ से काफ़ी बादल गुजर रहे हैं जो हमको ऐसा लगता है कि कोहरा हो गया है, बट ये व्यू आना यहाँ पे हर तरीके से पैसा वसूल है। आप ज़रूर दार्जिलिंग ट्राई कीजिएगा।